47 तो पहले कांग्रेस के लीडर ने लिखती तौर पर भी और जबानी भी सिखा के लीडर नाल यह वायदा किया कि हिंदुस्तान का नवा कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा बनाया जाएगा वो सिखा की मर्जी जाने बिना नहीं पास किया जाएगा। वीटो पावर दी गई सी सिख लीडर क्योंकि मनते नहीं जी मुस्लिम लीग सी वह चाहती सी कि तुसी पाकिस्तान में सिख स्टेट ले लो और इत्थे रह जाओ। उन्होंने सिद्धी जी जवाहरलाल नहरू ने सीधा जहा जवाब दिता कि वो पुरानी गलों पुराने वक्त दलों भुल जाओ तुम नवी गल करो कोई। महात्मा गांधी ने जाके ज्ञानी करतार सिंह मिले तो उन्होंने कहा गांधी ने भी यही जवाब दिता अच्छा मैंने तो कोई याद नहीं की वादे किए गए तुम मैंने लिखते जोड़े हैं ना मैंने लै किसी ने लै गए उस बाद डेथ हो गई भूल जाओ कि पंजाबी सभा आप ये कभी बनेगा नहीं बनेगा कभी पंजाबी सभा ये आपके दिमागों में रहेगा हमेशा। तो इन्हें टेलीफोन किया कि एक सानू मरवाता जी दोनों तुम ये पंजाबी सभा क्यों बनाया ये फिक्र ना करो ऐसा बनावांगा मैं कि ये अखीर तो आप कहेंगे कि तुम इस दिन वापस कर लो ताकि इन्होंने स्वाय वजीरियां लेंदे या उस सवाल को उठा के इलेक्शन वाले वोटा मंगण दे होर कुछ किया हो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सुखबीर बादल सीगा सेंटर विच मिनिस्टर तो उस वेले वाजपेई ने हिमाचल नू सारी इंडस्ट्री साड़ी भजाती सी पंजाब तो बद्दी विच उत्थे स्पैशल राइट्स उन्होंने कंसेशन देते देते सी पंजाब इंडस्ट्री लानी काटे वाला सौदा बन गया सीगा। बीबी गई मिनिस्टर बन गए तो किसानों का बड़ा गर्व करने वाला कानून बन गया। 1966 तो बाद एक ही प्रोग्राम रह गया मिनिस्ट्रियां भी अपने कब्जे रहन अकाल तख्त भी अपने कब्जे रहे श्रोमणी कमेटी भी अपने कब्जे रहे इलेक्शन वाले जो मर्जी झूठ बोल लो लेकिन ये तिने चीज पर किसी और को ना जान दिया तो एक ही काम रह गया पंजाब ने धक्का कर लो कोई गल नहीं लेकिन मिनिस्ट्रियां साडे इस फैमिली कोल रहन। चैलेंजेस तो है ही ने इन्हां दे पंजाब वाले ने सैटिस्फाई करना है कि असीं तुहाडे नाल कहिंदे ना असीं पंजाब नूं बचाउण वास्ते आए हां कहते तो यही इलेक्शन तो यही कहते सी तो इन्होंने यह दसना पेगा किमें बचाओगे हमले थोड़े सामने हो रहे हैं। ये मिनिस्टर या मंत्री या लीडर ये तमाम जो गल्लां करते सियासत दियां इन्हां दे विच कोई परिवर्तन आएगा तुहानूं लगता है कि हाँ ये सुते ही रहणगे हुणे भी सुते ही रहणगे? बिल्कुल नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा थोड़े सामने तो जो आया हों प्रकाश सिंह बादल अज कोई कह दिता भी हाँ ये बैच पॉलिटिक्स चलिया मेरे मेरे करके पंजाब नुकसान होया अपने पेंशन चढ़ती बादल साहब पेंशन पहले हिसाब देन के हूँ तक लिया कि इन्ने सालों में करोड़ों में तो वह क्यों नहीं वापस की एक कहते ने असं भगत सिंह के सुपनों साकार करा क्यों थोड़े तो सुपन क्यों नहीं साकार करते जेडे असं सामने बैठे हैं साढ़े सुपने क्यों नहीं साकार करते? लेकिन पार्टियां को कोई निशाना नहीं है पंजाब को बचाने का पंजाब के पानी थोड़े को अपने हाथ में जो वो करते हो तो सोचते सके सर कि पंजाब के लोग ये सोचते सके कि किसानी अंदोलन जितया उस तो बाद जित होगी हुई है लेकिन हार का मूँह तो सानू अलग अलग तरीकों के नाल देखना पै रहा हमेशा ही होया तुहाडे नाल तुसीं कदों जितते सी तुसीं अंग्रेज़ नूं हरा लिया सी फिर हार गए सी कि नहीं? मैं तो आप मेरे को किसान लीडर आए थे मैं कहा ना मनो उठ्यो ना उठ जब तक कुछ लै नहीं लेंदे विश्वास नहीं ऐलान नहीं उन्होंने कहो प्रैक्टिकल लागू करो हूँ तुम 15 दिन होर रुक जाओगे लागू हो जाएंगे जिमें कांग्रेस करती थी पहले 25-30 साल वही करती थी महात्मा गांधी जी के सुपनों को साकार करेंगे बेड़ा गर्क हो गया हूँ ये भगत सिंह का ना लेंदे ने वो भी बेड़ा गर्क होना क्योंकि इन्होंने भगत सिंह तो एवं ड्रामा बनाया सामने दिखाया ये सॉरी पंथ बादल साहब के हाथ मजबूत करो चंडीगढ़ समझो आ गया जे असी जित गए तो चंडीगढ़ समझो आ गया उत्थे जो जिते जिताया इन्हों जित के चंडीगढ़ नाम नहीं लेंदे। एक दौर से जो कहा जाता सीगा कि खिड़िया फुल गुलाब का चंडीगढ़ पंजाब का लेकिन नवी जनरेशन जदों जदों लिखन दे इस आर्ट दे विच इस हुनर नूं उन्होंने जो अपनाया तो उन्होंने लिखिया कि फुल कोई वलैत वाला लै गया गुड़दा में रह गया क्यारियाँ। एक बयान बड़ा चर्चा च है तो बयान साढ़े गृह मंत्री अमित शाह होरां ने दिता उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ दे विच सिविल सर्विसेज रूल्स जिहड़े हैगे ने वो लागू कर दिते जाणगे। इहदे पिछे एक इतिहास है हिस्टरी है हिस्टरी दे वर्के खंगालने बड़े जरूरी है तो उन्होंने खंगालन दे लई मैं अज साढ़े रोज़ाना स्पोक्समैन दे फाउंडिंग एडिटर सरदार जोगिंदर सिंह जी होरां दे कोल बैठा। सर वक्त लई बहुत बहुत शुक्रिया। जो अमित शाह होरी कह के गए ने इसनू
एक लार्जर कैनवस के उत्ते जो देखना हो किस तरीके दे नाल देखा जाना चाहिए। पहली गल तो यह समझनी पेगी कि पंजाबी सूबा बनया क्यों सी, बनाया क्यों सी, गया मंगया क्यों गया सीगा। 47 तो पहले कांग्रेस के लीडर ने लिखती तौर पर भी और जबानी भी सिखां दे लीडर नाल ये वायदा किया कि हिंदुस्तान का नवा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा बनाया जाएगा वह सिखां दी मर्जी जाने बिना नहीं पास किया जाएगा। सो वीटो पावर दी गई सी सिख लीडर नूं क्योंकि मनते नहीं सी पग जिहड़ी मुस्लिम लीग सी वह चाहती सी कि तुसीं पाकिस्तान विच सिख स्टेट लै लो और इत्थे रह जाओ। तो उन्हूं रोकण लई इन्हां ने कहा कि नहीं असी हिंदुस्तान दे विच कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा बनावांगे वह तुहाडी मर्जी वाला होएगा, तो जे तुसीं पास नहीं करोगे असीं नहीं लागू करांगे। नंबर दो उन्होंने कहा सी पंडित नेहरू ने प्रेस कलकत्ते विच प्रेस स्टेटमेंट विच भी कहा सी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कि आज़ादी तो बाद उत्तर भारत विच एक ऐसा खिता बनाया जाएगा जिथे सिख भी आज़ादी का निग माण सकणगे। तो उन्होंने अकाली लीडर ने उस तो बाद आज़ादी तो बाद यह गल उन्होंने लीडर नूं याद करवाई कि तुसीं यह गल कही लागू करो। उन्होंने एक सीधी जी जवाहर लाल नेहरू ने सीधा जिहा जवाब दिता कि वो पुरानियां गल्लां पुराने वक्त दियां गल्लां भुल जाओ तुसीं नवीं गल करोगे। महात्मा गांधी नूं जाके ज्ञानी करतार सिंह मिले तो उन्होंने कहा, गांधी ने भी यही जवाब दिता, अच्छा मैंने तो कोई याद नहीं की वादे किए गए तुम मैंने लिखते जोड़े हैं ना मैंने किसी ने लैके आए उस तो बाद डैथ हो गई और दोबारा जाने तो पहले। सो उस वेले क्योंकि सिख बड़ी बुरी तरह हांबे हुए से थके हुए थे उन्होंने को पैसा नहीं सी, 10 लाख मरवा के आए थे बंदे अपने ज्यादा उनके छोड़ आए थे। इधर जोड़े ईस्ट पंजाब वो सिख जोड़े से बहुत गरीब से। तो उस वे सवाल यह कि जे हूँ मोर्चा लाया तो वॉलंटियर कितों लवेंगे, पैसा कितों लवेंगे, ये कोई अंदोलन एवें तो नहीं चल जाते ना। तो जिन्हें अमीर सिख से बॉम्बे कलकत्ते चले गए थे वो उंज कं डरते कि पंजाब नाल साडा नां ना जुड़े अंदोलन दे विच। सो ये एक तरीका लभ्या गया कि सारे हिंदुस्तान विच कांग्रेस के आज़ादी तो पहला किए ऐलान के मुताबिक सूबे हर भाषा का वक्रा सूबा बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा ज्ञानी करतार सिंह तर्क से कि जे सारे हिंदुस्तान में सूबे बने जाएंगे भाषा के तो पंजाबी का भी एक भाषा बन सूबा बन लो तुसी उस नाल की होएगा कि सिखां दी गिनती जिहड़ी है वह आलमोस्ट 50% हो जाएगी पंजाब विच। तो उस वेले 33% सी, 33% नूं इह कह के ना कर दिंदे सी कि पंजाबी सूबा बनाईए किवें या कोई तुहाडी मंग मनी है किवें, 33% तुसीं हैगे हो, 70% तुहाडे खिलाफ ने, हरियाणा भी नाल सी उस वेले, हिमाचल भी नाल सी। तो यह रस्ता लभ्या गया कि पंजाबी सूबा जब सारे देश में सूबे बनाए जा रहे हैं तो यह मंग लो। चलो ये गल उन्होंने समझ आ गई दिल्ली वालों को। तो उन्होंने मास्टर तारा सिंह ने जो पहली मीटिंग हुई उन्होंने कहा, मास्टर जी तुम सानू बेवकूफ़ समझते हो, तुम पंजाबी सूबा ना लै रहे हो, एक्चुअली तुम सिख मेजोरिटी स्टेट चाहते हो, असं समझते हैं इस गल की। मास्टर तारा सिंह ने जवाब उस तरह ही गर्म जवाब दिता कि तुहाडे पंडित जी जो तुहाडे दिल च वो रहन दिओ, अपने दिल च मेरे दिल च जो तुसीं चाहते हो सिख खत्म हो जाए मैं चलना कि जो तुसीं कह रहे हो। सो तुसीं अपने दिल की अपने मन च रहन दिओ, मेरे दिल की मेरे मन, सीधी गल है। जिहड़े जिस तरह बाकी देश सूबे बना रहे हो भाषा के पंजाब का भी बना रहे हो। तो वो लेकिन इस दे बावजूद वो नहीं मने और आज़ादी दे 15 अगस्त की जड़ा लाल किले के बाहर जशन हुंदा है उत्थे कुछ 4-5 सिख मुंडिया ने भी जो नारे मारे सी ते पंडित नेहरू ने स्टेज तो उत्थों ऐलान किया कि भूल जाओ कि पंजाबी सूबा आप के कभी बनेगा, नहीं बनेगा कभी पंजाबी सूबा, ये आपके दिमागों में रहेगा हमेशा, ऐसा भी पंडित नेहरू ने कहा। इस सारा कुछ के बावजूद हालात ऐसे बनते गए, पाकिस्तान नाल लड़ाई हुई, सिखां दी लोड़ पै गई, कई हालात होए ने उस तो बाद इस करके वह पंजाबी सूबा बनाया गया। लेकिन पंजाबी सूबा बनाने वेले भी एक बड़ी चलाकी खेडी गई कि इसनों हरियाणे नाल कड़ियाँ जोड़ दी गई और सैक्शन 78 और 79 रीऑर्गनाइजेशन एक्ट पंजाब जिहड़ा उस दे विच वह पाती गई जिहदे मुताबक जिहड़ियां साझियां कड़ियां सी हाई कोर्ट जिवें सांझी है कैपिटल सांझी इस तरह भाषा पाखड़ा ये सारे सांझे कर दिते गए ताकि सेंटर इन्हां उत्ते कब्जा इन्हां दे थ्रू पंजाब ते अपना राज चलांदा रहे। सो वह चलांदे आ रहे हैं। हुण साडी बेवकूफ़ी की है, साडी कमी की है कि साडी लीडरशिप ने इस सवाल नूं
66 तो लैके अज 56 साल हो चले ने इन्हें सुते रहन दिता गया, क्योंकि केंद्र वाले ने साडे लीडरां नू जिहड़े उस तो बाद आए ने उन्हां नू क्या तुसी वजीरियां लो आयश करो जो मर्जी करो इस बग ये मसले सहन दिओ तुसी चुप। वो मसलों तो चुप रहे ने ते अपनियां वजीरियां लैंदे रहे ने, इस करके उलझ गया। कभी भी कोई इहोजा मसला 5-10 साल तो बाद अगर लटकाया जा लटकन दिता जाए तो वह खता खत्म हो जाता है। दुनिया में हिस्टरी में कई बार ऐसा होया कि जो तो 50 साल बाद बोलते तो कहते तुझे हम तक सुते पे से पहले की करते रहे। मैं एक केस हार गया हाईकोर्ट में, उस जज ने मैंने यही सवाल किया कि तुम सरदार साहब कितने सुते रहे हम तक, मैं लेट हो गया सी अपील करने में, तो जज ने मेरा केस खारिज फारिज कर दिता। हालांकि मैं सिर्फ 10 साल लेट होया सी, इतने 56 साल हो गए। सो उन अच्छा उन्होंने ये तो साड़ी हुई, उन्होंने उस वेले जो पंजाबी सूबा बनया तो कुछ लोग उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि क्यों बनाया गया है। तो उन्हों गुलजारी लंदा उस वेले सी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन वास्ते ही, उसनों जलंधर का अखबार है एन समाचार हूँ जगबाणी है, उस दे एडिटर ने टैलीफोन किया, दोस्त से वह भी पंजाबी से नंदा भी गुजारी नंदा भी, तो इन्हें टैलीफोन किया कि एक सानू मरवाता जी हिंदुओं ने तुम ये पंजाबी सभा क्यों बनाया, तो उन्हें जवाब दिता सीगा कि यह गल उन्होंने लिखी भी कही भी थां थां ते कि फिक्र ना करो ऐसा बनावांगा मैं कि ये अखीर तो आप कहणगे कि तुम इन वापस कर लो, उस तरह पहले ही चंगे से। सो उस सिलसिले उस कह के मुताबिक ये पिछले 56 साल तो हर कोशिश कर रहे हैं कि सिख आप कह कि पहला ठीक से तो वही चंगा से छोड़ो पर असी बना के गलती कर ली। और कई बहुत सारे सिख ऐसे है भी नहीं नौ जी सूबे की सूबे लैवल ली नहीं जी चाडा व्डा सी पहले पंजाब हूँ छोटा कर लिया, इस तरह दल करने वाले भी हूँ मिल जाते हैं। तुम एक बड़ी दिलचस्प चीज़ के उ रोशनी पाई, वो ये है कि सरकारां सुतियां रही है ना, लेकिन जिहड़ियां सरकारां बार बार इस चीज़ का दावा ठोकदियां कि जी असीं तां पंजाब हिमायती हाँ असीं पंजाब की गल करते हैं, इत्थों दीआं रीजनल पार्टीज जे अकाली दल की भी मैं गल करा जिन्हें पंजाबी सूबे की मूवमेंट भी चली, फिर राजीव लौंगोवाल एक्ट के विच भी उन्हां दी इक, फिर उस तों बाद अलग अलग तरीके दे नाल उन्होंने पंजाब के हक की गल की है। इन्हों का वड्डा योगदान पार्टीज़ का कितना वड्डा योगदान रहा है जिदे करके चंडीगढ़ पंजाब दे उत्तों खुसदा चला गया? इन्हों का योगदान सिर्फ मैं तुम्हें पहले कहा इन्हों का योगदान सिर्फ इन्ना ही सी कि पंजाबी सूबे के नाँ ते ही है, चंडीगढ़ के नाँ के उत्ते इलेक्शन वेले नारे मारो तो उस तो बाद वजीरियां लैके सौ जाओ, इन्ना ही काम रहा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उस तो बाद दसो जो तुम्हें कोई पता है, मैनू नहीं पता, मैं तो कीन ऑबजरवर हाँ सारे गल का, मैनू नहीं पता कि इन्होंने स्वाय वजीरियां लेंदे या उस सवाल नूं उठा के इलेक्शन वाले वोटा मंगण दे होर कुछ किया हो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये लोग जदों साडे सुखबीर बादल सीगा सेंटर विच मिनिस्टर तो उस वेले वाजपेई ने हिमाचल नूं सारी इंडस्ट्री साडी भजाती सी पंजाब तों बद्दी विच, उत्थे स्पैशल राइट्स उन्होंने कंसैशन देते देते सी पंजाब इंडस्ट्री लानी घाटे वाला सौदा बन गया सीगा, उस वेले होया सीगा। दूजी बारी इन्हां दे परिवार चों बीबी गई मिनिस्टर बन गए तो किसानों का बड़ा गर्व करने वाला कानून बन गया, वो तो उस वेले उन्होंने पास भी करवाया। तो उस तो बाद प्रकाश सिंह बादल ने बकायदा बयान दिता कि बड़ा चंगा है एक्सैप्ट कर लो, और इन्होंने मीटिंगा बुला के सेंटर के मिनिस्टर को उन्होंने मीटिंगा भी क्या खवाया कि बड़ा चंगा है। वो किसान अंदोलन हट बहुत तेज़ हो गया, मजबूरन ने उन्होंने आना पाया, कुरबानी करनी कोई नहीं इन्हों की, ये तो मजबूरी फसे हुए उन्होंने आना पाया बार। सो इन जब भी ये मिनिस्टर बनते हैं सेंटर या इतने सेंटर खास तौर पर तो पंजाब, क्योंकि इन्हों का उस तो बाद 1966 तो बाद एक ही प्रोग्राम रह गया, मिनिस्ट्रियां भी अपने कब्जे रहन, अकाल तख्त भी अपने कब्जे रहे, श्रोमणी कमेटी भी अपने कब्जे रहे, इलेक्शन वाले जो मर्जी झूठ बोल लो लेकिन ये तिने चीज़ बार किसी होर को ना जान दिया। जे ढिंडसे ने कहा मैंने हूँ मिनिस्टर बना दो उन्होंने भी कट दिता, हूँ निकलना पाया, किसी होर ने कहा उन किसी ने दिता, कोई कम रह गया पंजाब ना धक्का कर लो कोई गल नहीं, लेकिन मिनिस्ट्रियां साढ़े इस फैमिली को रहन वो चलता रहा। मैं हुणे कुछ देर पहला पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान वरिंदर ढिल्लों सीगा उन्होंने इंटरव्यू करके आ रहा है, वह भी चोण हार गए, वह कहें कि जिहड़ी नवीं सरकार बनी है पंजाब दे विच
केंद्र दे विच बैठी सरकार उहदी इच्छा शक्ति देखना चाहती है, इस करके वार बार पंजाब वल दा रुख करती भी है। तुहाडे कोलों सर मैं ये जानना चाहना क्योंकि तुसीं लंबे समय तो सारिया चीज़ों नूं ऑब्जर्व करते आए हो, यह नवी जो सरकार बनी है आने वाले समय दे विच इन्हां दे लई की चुनौतियां रहन जा रही हैं? देखो आने वाली सरकार जिहड़ी है हाले उसनों थोड़ा टाइम देना पएगा, महीना दो महीने तीन महीने देने पैणगे। केंद्र जिवें अमित शाह होरी ये करके गए उस रिगार्डिंग केंद्र दे आपस दे विच जो इन्हां दे संबंध रहणगे उन्हों लैके की चैलेंजेस रहणगे? चैलेंजेस तो है ही ने इन्हां दे, पंजाब वालों सैटिस्फाई करना है कि असीं तुहाडे नाल हां, कहिंदे ना असीं पंजाब नूं बचाउण वास्ते आए हाँ, कहिंदे तां ही ने ना, इलैक्शन तां ही कहिंदे सी, तां इन्हां नूं ये दसना पएगा किवें बचाओगे तुसीं, तुहाडे हमले तुहाडे सामने हो रहे ने, पंजाब का पानी भी खोया हुआ उन्होंने, पंजाब के डैम भी खोए हुए हैं, पंजाब का गुरद्वारा एक्ट भी खोया हुआ है, तुम पंजाब के पंजाब गुरद्वारे बारे कोई एक्ट पास कर ला कर करना चाहो, पार्लीमेंट कर सकती है, असैम्बली नहीं कर सकती, थोड़ी सब कुछ ही उन्होंने हथ में है, तो ये दसनगे ना कि करेंगे, लेकिन हूँ एकदम तो इन्होंने नहीं अभी कुछ कह सकते ना भाई गलत ने या ठीक ने, उस दिन मैंने देखना पेगा इन्होंने सामने चुनौतियाँ आ गई ने कि दसन कि भाई जे पाखड़े दे साडा हिस्सा खत्म करता जा रहा, साढ़े असर खत्म किया जा रहा है, जे चंडीगढ़ में साढ़े कानून के बजाय वो सेंटर के लगे लागू होने ने तो यहाँ की रिएक्शन रहेगा दसना पएगा इन्होंने, पर अजे इन्होंने थोड़ा टाइम देना पएगा क्योंकि अजे उनकी अपने लत्त में ताकत नहीं आई। जनवरी का महीना सीगा केंद्रीय मंत्री आए थे इत्थे, वो पहले एक बयान दे के चले गए थे, उदों तो चलो पंजाब दे विच चोणां दा माहौल सी, चंडीगढ़ आके बयान दे गए थे कि चंडीगढ़ दे विच सेंट्रल सर्विसिज रूल्स लागू होने चाहिए है, अमित शाह तो पहला वो आके ये चीज़ कह गए थे, लेकिन तुसी फिर वही गल जिवें तुसी कही कि सरकारां सुत्तियां रहिंदियां या साडे जिहड़े लीडर हैगे ने उन्हां नूं चस्का हैगा मिनिस्ट्रियां दा कि मंत्री बन जाइए उस तों बाद देखी जाएगी, ये सर जो ओ पंजाब जो किसानी अंदोलन दे विच एक इतिहास रच के आया, ये मिनिस्टर या मंत्री या लीडर ये तमाम जो गल्लां करदे सियासत दियां इन्हां दे विच कोई परिवर्तन आएगा तुहानूं लगदा है कि हाँ ये सुते ही रहणगे हुणे भी सुते ही रहणगे? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तुहाडे सामने तो जे आया हुंदा तो प्रकाश सिंह बादल अज कोई कह दिंदा भी हाँ ये बैच पॉलिटिक्स छड्या मेरे करके पंजाब नुकसान होया, जे परिवर्तन आया हुंदा तो अज सुखबीर सिंह बादल अपने पेंशनां छड्डतियां बादल साहब ने, पेंशनां पहले हिसाब देन कि हुण तक लईआं किन्नियां ने इन्ने सालां विच करोड़ां विच, तो वह क्यों नहीं वापस कीतीआं, तुहाडे कोल कि चीज़ की कमी है, तुसी आए किस तरह से चंडीगढ़ सानू पता है, तुसी अज किन्नी दौलत दे मालक हो, क्यों लोड लैंदे हो तुसी पेंशन, तुसी बंद क्यों ना करवाईआं अपनी, क्यों नहीं हुण तुसी जिन्नी हुण तक पेंशन लई सी वापस क्यों नहीं करदे तुसी? नहीं पर मेरे वास्ते मतलब इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब दे विच जिन्नियां भी पार्टीज हैगियां ने, आम आदमी पार्टी की तो सरकार हैगी, तुहानूं लगता है कि आम आदमी पार्टी तो बाकी पार्टियां रल के हुण केंद्र दे नाल आडा लाउणगियां कि जी जो तुसी चंडीगढ़ नूं खिंचदे पे हो पंजाब दे वल्लों, या तुहानूं लगता है कि आपस दे विच उलझियां रहणगियां तो एक दूजे दियां लत्तां ही खिंचणियां इन्हां ने? बिल्कुल यही कही होएगा जो तुसी कहा कि तू भैड़ा है तेरी गलती उही करदे रहणगे, क्योंकि निशाना कोई नहीं इन्हां कोल किसे कोल, की इत्थे की करन फिर लोगों ने जो किया वो उन्होंने सामने आ जाएगा आस्ता आस्ता, लेकिन पार्टियां कोल कोई निशाना नहीं है पंजाब नूं बचाने का, पंजाब के पानी तुहाडे कोल अपने हाथ में है जो वो तुसी करदे पए हो, चंडीगढ़ गया सर, चंडीगढ़ भी गया पंजाब भी गया, तुहाडा 17 साल बाद तुसी रेगिस्तान बने होने इत्थे पानी कौन तुहाडे कोल रहा, तुसी उहदे वास्ते की कर रहे हो? कुछ भी नहीं, रेगिस्तान मैं स्टोरी कर रहा है, स्कूलों के इन्हों ने छप्पड़ पुटते जेडे पिंड छप्पड़ नहीं उ छप्पड़ है भी नहीं है, लेकिन हाँ जो स्कूल बने हुए थे सरकारी स्कूल बंद करवा के इन्होंने छप्पड़ पुटते, ये पिछली सरकार दी करतूत विखावे दी गल्लां ने ना जुमले और ड्रामे यही करते हैं ना, गल सीधी जी है कि तुसी किसान नू पैडी बीजन तो रोको, किवें रोको, तुसी दो चीज़ा दूजिया जड़िया ने दालां ने या होर कुछ चीज़ा ने उन्होंने MSP दो, वह खरीदन दे तुसी उन्होंने कहो तो बंद करेंगे, होर तो कोई तरीका नहीं, तुहाडे गल्लां नाल तां नहीं बंद होना ना, तुहाडे जुमलिआं नाल तो बंद नहीं होना ना, तुसी कही जाओ असीं हाँ जी बड़ा फिकर है सानूं पानी घटता जा रहा, पर करदे की पए हो तुसी, दिन ब दिन पानी घटता जा रहा और तुसी वेट कर रहे हो कि 17 साल बाद करेंगे जदों बिल्कुल खत्म हो जाएगा पंजाब। अभी तो सोचते थे सर कि पंजाब के लोग ये सोचते थे कि किसानी अंदोलन जितया उस तो बाद जित होगी हुई है, लेकिन हार का मूँह तो सानू अलग अलग तरीकों के नाल देखना पै रहा, हमेशा ही होया तुहाडे नाल, तुसी कदों जितते सी, तुसी अंग्रेज़ नू हरा लिया सी फिर हार गए सी कि नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਧੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਰ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਦੁੱਗਣੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ 12ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 40-50 ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 25-30 ਸਾਲ, ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੇ ਸੁਪਨੋ ਕੋ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ PGI ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਰਕ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੇਂਗਾ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਝੀ? 56 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਬਾਈ? ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਝੋ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਝੋ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 50-60 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ 50-10-20-50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਬਿਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
किसी शायर ने कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रह गिरों से गिला नहीं पर तेरी रहबरी का सवाल है। बहुत वड्डे वड्डे दावे, बहुत वड्डे वड्डे वादे तुसी सुने होने हैं, लेकिन असी तजुर्बेकार लोगों के नाल गलबात जो करते हैं वह कहें कि सानू सुनदू उम्र हो गई, चंडीगढ़ हथों निकल गया, हुण कहिंदे कि प्रोटेस्ट करांगे अलग अलग तरीके दे नाल, उन्हां नूं दस्सांगे केंद्र दी सरकार नूं कि पंजाब दे नाल तुसीं धक्का नहीं कर सकदे। लेकिन देखण वालियां तस्वीरां होणगियां कि वाकई कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई तब्दीली होएगी या नहीं, या फिर ये गल्लां धरियां दियां धरियां रह जाणगियां। कैमरे ते साथ दे रहे सीगे सुखिंदर, मैं लंकेश त्रिखा, रोज़ाना स्पोक्समैन दे लई।